हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम कौन कौन से ऐसी डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसके वजह से आपकी एडमिशन ईजली हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं की सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी एंड अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि किन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप अंडरटेकिंग भी डालते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, विच मीन्स कि अगर आपके मार्कशीट अभी तक नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज अभी तक CBSE का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। देन मार्कशीट थोड़े दिन बाद आएंगी, वैसे CBSE बहुत टाइमली अपना हर काम कर लेती है, बट स्टिल अगर कोई मार्कशीट ना आए हों, अगर आप किसी और भी बोर्ड से हो तो उसमें आप अंडरटेकिंग डाल सकते हो, बट हर डॉक्यूमेंट में आप अंडरटेकिंग नहीं डाल सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगी, बट उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। सो देखिए, सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो मार्कशीट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर एडमिशन। मार्कशीट आपकी 10th की भी चाहिए एंड मार्कशीट आपकी 12th की भी चाहिए। विदाउट मार्कशीट यू कॉन्ट गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़। सो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आपके 10th की होनी चाहिए, आपकी 12th की होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज अभी तो CBSE का रिजल्ट नहीं आया है, बट ये बात ट्रू है कि आपके कट ऑफ के पहले CBSE अपना रिजल्ट डिक्लेयर भी कर देगी और आपके हाथ में मार्कशीट भी दे देगी, बिकॉज DU अपना हर काम CBSE के अकॉर्डिंग करती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस बारे में बताया है, आप चाहो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके उसे देख लेना। तो आपकी मार्कशीट आ जाएंगी जिसमें आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना होगा एडमिशन के टाइम कॉलेज में। अपार्ट फ्रॉम इट आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट विच मीन्स TC, माइग्रेशन आपके पास माइग्रेशन 12th की होनी चाहिए, 10th की माइग्रेशन आपने अपने स्कूल में दे दी होगी 11th एंड 12th के एडमिशन के लिए, बट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास 10th की भी होगी और 12th की भी होगी, जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में शो करना होगा। देखिए, मार्कशीट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास होनी चाहिए, बट अगर आपके स्कूल वाले प्रोविजनल नहीं दिए हैं, माइग्रेशन नहीं दिए हैं, 12th की मैं बात कर रही हूँ, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी इवन नहीं दिए हैं, तो आप वहाँ पे इजली अंडरटेकिंग में रख सकते हो। अंडरटेकिंग में क्या करना होगा उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि अंडरटेकिंग में आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को रखो और उसकी प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, बट इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होनी ज़रूरी हैं। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया था, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट में आप अंडरटेकिंग नहीं डाल सकते हो। यस फ्रेंड्स, तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, बिकॉज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अभी होना बहुत ज़रूरी है आपके एडमिशन के टाइम, मीन्स कि अंडरटेकिंग का उसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपके पास अभी भी टाइम है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने पहले भी पूरी डिटेल में अपनी वीडियो में बताया है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ जाके उसे देख लेना, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। बिकॉज आपको लगता है कि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो और आपके पास सर्टिफिकेट भी है, बट वो सर्टिफिकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैलिड होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है जो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाया है। सो आई विश कि आप देख लोगे एंड कास्ट सर्टिफिकेट अपनी जल्द से जल्द बनवा लोगे। एंड कास्ट सर्टिफिकेट में ही मैंने बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। आई विश कि आप समझ गए होगे एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे से रखोगे एंड उसे एडमिशन के टाइम लेके जाओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड योर अपकमिंग फ्यूचर एंड कैरियर, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से समथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक